हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्रत की बहुत ही टेस्टी सी कचौड़ी की रेसिपी, जिसकी जो स्टफिंग है वो हम तैयार करेंगे आलू और पनीर से। और इसे हम बनाएंगे जो सिंगाड़े का आटा होता है ना, उससे, कुट्टू के आटे से नहीं, सिंगाड़े के आटे से। और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी, बड़ी ही खस्ता सी ये बनती हैं। और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ आटा और थोड़ी बहुत चीज़ें और, क्योंकि मसाले वगैरह तो व्रत में बहुत ज़्यादा खाए नहीं जाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू तो करते हैं। देखिए, इसके लिए ये मैंने ले लिए हैं 4 आलू, साथ में मैंने ले लिया है थोड़ा सा पनीर, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट कर, हरी मिर्ची, और ये मैंने लिया है सिंगाड़े का आटा। जो मींग आती है उसको घर पे ही पीस के मैंने आटा तैयार किया है। मार्केट में पिसा हुआ भी मिल जाता है, साबुत भी, आप जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इन सारी चीज़ों से ही मिलकर ये तैयार होंगी। तो सबसे पहले हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने ले लिया है बाउल। तो सबसे पहले जो आलू है इन्हें हमें फोड़ लेना है। चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। आलू को मैंने फोड़ लिया है अच्छे से, इसमें गांठें बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही जो पनीर है इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। पनीर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब इसमें जाएगा ये हरा धनिया, साथ में ये हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, इसके साथ ही थोड़ा सा नमक, क्योंकि हम आटे में भी हल्का सा नमक डालेंगे, और थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर। और सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस ये हमारी इसकी स्टफिंग बनकर तैयार है। मैंने इसमें से पिट्ठी तो निकाल ली है जो हमने तैयार की थी। अब मैं इसमें डालूंगी ये आटा, और इस आटे में थोड़ा सा जाएगा नमक, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही। और इसके साथ ही इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा हमें पानी डालना है, क्योंकि आटा ना बहुत जल्दी पतला हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका, थोड़ा नॉर्मल सा आटा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा इसका हार्ड भी नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर इसकी जो कचौड़ियाँ हैं वो हार्ड बनेंगी। अगर आप चाहें तो इन्हें हाथ से बना सकते हैं, या फिर चकले बेलन की हेल्प से भी ये बहुत आराम से बन जाती हैं। बस आटा जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। तो बस इस तरीके से आटा हमारा तैयार है, स्टफिंग हमने तैयार कर लिया। तो चलिए कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। इधर देखिए, मैंने ले लिया है चकला, और जिस हिसाब से भी हमें कचौड़ी बनानी है उस हिसाब से ले लेंगे हम लोई, बड़ी छोटी जैसी भी हमें बनानी है। हाथों से इस तरीके से इसे बढ़ा लेंगे, और इसके बाद थोड़ी सी लेंगे स्टफिंग, और फिर इसके बाद इसे कर देंगे हम इस तरीके से कवर। और हाथों की हेल्प से ही इसे कर देंगे इस तरीके से फोल्ड, हल्का सा लगाएंगे आटा। और मैं आपको बताती हूँ, हाथ से भी इसे बनाना बहुत ही आसान है, हाथों से ही इसे इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे। तो बस हमारी ये बनकर तैयार है। एक मैं आपको चकले से भी बनाकर दिखाती हूँ। कुछ लोगों को ना हाथ से बनाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आराम से बना लेती हूँ। तो देखिए, एकदम परफेक्ट ये बनकर तैयार है। इसको रख देती हूँ साइड में, और एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। किस तरीके से एक बॉल बना ली है मैंने, और इस तरीके से इसको कर देना है कवर चारों तरफ से। तो बस इस तरीके से हमारी बनकर तैयार है। तो बस अब इन्हें सेक लेते हैं। इधर मैंने कढ़ाई में घी गरम होने के लिए रख दिया था पहले ही, और ये अच्छे से गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी कचौड़ियाँ। और इसको मीडियम फ्लेम पर हमें सिकने के लिए छोड़ना है। हाँ,
हल्की सी सिक चुकी है, कलर आ चुका है किनारे पर, तो इसको हमें पलट देना है। वापस से इसे पलट देंगे हम ताकि इसका कलर बहुत ही बढ़िया सा आ जाए। और इधर आप देखेंगे कि ये फूल चुकी है बहुत ही बढ़िया से। इधर हमारी ये कचौड़ी एकदम बढ़िया से सिक चुकी है और कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया आया है और ये अच्छे से फूल गई है। तो इस तरीके से ही मैं सारी कचौड़ी सेक कर तैयार कर लूंगी। इसको निकाल लेते हैं और डाल देते हैं जो बची हुई है। तो इधर देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी सी ये व्रत की आलू पनीर की कचौड़ी बनकर तैयार है और बहुत ही खस्ता ये लग रही है देखने में, और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो इस जन्माष्टमी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगी और जिनका व्रत नहीं है वो भी इस रेसिपी को मांग मांग कर खाएंगे, तो है ना मज़ेदार। तो चलिए वीडियो, और अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।